यह है मनाली लॉकडाउन के बाद, सारी दुकानें ओपन हो चुकी हैं, थिंग्स आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल, बट प्रॉब्लम यही है कि अभी केवल 70% ही दुकानें ओपन हैं और जो टूरिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। ये भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 90% लोकल निवासी हैं। होटल की ऑक्यूपेंसी ना होने की वजह से 70% होटल अभी भी शटडाउन है। कुछ छोटे छोटे होटल्स या कुछ ऐसे होटल्स जो बाहर हैं शहर से बाहर, बस वो ही ओपन है। फूड सर्विस भी लिमिटेड है, कुछ जगह पर आपको डाइन इन मिलेगा, अदरवाइज टेक अवे की फैसिलिटी ही अवेलेबल है। इससे मैं आने वाले टूरिस्टों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर किसी भी कस्टमर को जाने नहीं देना चाहता और बहुत रीज़नेबल रेट्स पर आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ की जो होटल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ की दुकानों को बस वेट है सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट का। लॉकडाउन की वजह से मानो पूरे हिमाचल की जैसे कमर सी टूट गई है, क्योंकि ज़्यादातर ये डिपेंडेंट है टूरिस्ट पर और टूरिस्ट पूरी तरह से अभी आना चालू नहीं हुआ है। यह है मनाली माल रोड नाइट व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं 10% भी ऑक्यूपेंसी नहीं है और ये पीक टाइम है। अभी टाइम हुआ है 7:30, बट स्टिल ना टूरिस्ट है ना कोई कस्टमर है, इसलिए हाफ ऑफ द शॉप जो है ऑलरेडी क्लोज भी हो चुकी है।